जैसे फसलें काटी जाती हैं और फिर आप देखते हैं इन्हीं दिनों में हवाएं चलती, तेज हवाएं, और होली स्पिरिट के लिए यही लिखा है तेज की आंधी जो है वो आई क्योंकि कटाई हो गई। आमीन। और आंधी आती इसलिए थी कि वो गंदम के दानों को भूसे को अलग कर दे, भूसा अलग कर दिया गया और कलीसिया जो है वो कूक के अंदर आई। ये हवा चली आंधी, ये खतरे बोलिए घियों से भर गए। आमीन। ये न्यू रेवल्यूशन आपने बताया कि जिस तरह फसल की कटाई के बाद जोर की आंधी आती है और वो भूसे को दानों से अलग कर देती है, हालेलुया, पाक जोर की आंधी की तरह जो है वो नाज़िल हुआ और उसने क्लीसिया को जो है वो अपने लिए चुन लिया। वील हुआ बस आप ये बड़ा बाबरकत हमारे लिए है कि इस तरह जो है ये आंधी, क्योंकि आंधी जो है जोर के सन्नाटे की आवाज, ये 120 की जमात जब आई तो ये प्रेजेंस को जाहिर करती है। इसी तरह जब रू नाज़िल होता है तो वो गेहूं को जो दानों के साथ है वो अलहदा कर देता है और गुस्सा अलहदा हो जाता है और प्रेजेंस को हम फील करते हैं। हालेलुया। आज रेवलेशन जो पास साहब ने इस होली स्पिरिट की बात बताया कि जोर की आंधी की बाबत, और ये आज फर्स्ट टाइम, ये दीगर भी हम हाथ में सुनते हैं लेकिन ये फर्स्ट टाइम रेवलेशन खुदा के हाथ हमने पाक रूह के सिले से आज हमें बयान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब की हर एक बात की मुकाशफा होली स्पिरिट से भरी हुई, और अभी जो मुकाशफा हुआ है कि जब फसल की कटाई होती है और उसके बाद दुआएं चलती हैं खूबसूरत, कि जब फसल की कटाई हुई कलीसिया तैयार हुई तो होली स्पिरिट नाज़िल हुआ खूबसूरत, और आज फर्सी और गेहूं को गंदम से यानी पाक और नापाक अलग कर दिए। आमीन। खूबसूरत प्रकाश का असर भी बताया कि जैसे फसल की कटाई के वक्त जो है आंधी को जिसको वेट किया जाता है, तो रूह की आंधी जब चली है तो उससे सेपरेशन हुई है, भूसा अलग हुआ और कलीसिया अलग हो गई। खूबसूरत प्रकाश का, इसलिए हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने खादिम के ऊपर अपने मुकाशात को रंग दिया।